नाउ, नेक्स्ट जो प्लासेंटा है दैट इज दी एंडोथीलियो कोरियल प्लासेंटा कल हमने इसके दो प्लासेंटा देखे थे एपीथीलियो कोरियल प्लासेंटा और दूसरा साइंडस्मोकोरियल प्लासेंटा एपिथीलियो कोरियल प्लासेंटा में हमने देखा था व ऑल द सिक्स लेयर्स आर इंटैक्ट, और साइंडस्मोकोरियल में एक लेयर का लॉस हो जाता है नाओ द थर्ड टाइप इज एंडोथीलियो कोरियल प्लासेंटा एंडोथीलियो कोरियल प्लासेंटा में क्या होता है यहाँ पर नॉट ओनली द यूट्रीन एपिथीलियम यूट्रीन एपिथीलियम के साथ साथ मेटर्नल कनेक्टिव टिश्यू का भी इरोजन हो जाता है दैट इज ऑल्सो इरोडेड एंड दे आर ऑल्सो लॉस्ड यानी ये भी खत खा, वो हो जाते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और एज अ रिजल्ट यानी कि यहाँ पर अब आप देखिए मेटर्नल की साइड से मदर की साइड से दो लेयर्स का लॉस हो गया है एक तो यूट्रीन अपीथीलियम का और एक मेटरनल कनेक्टिव टिश्यू जो यूट्रीन अपीथीलियम के जस्ट नीचे है ठीक है सो बोध बोध दॉस्ड एज अ रिजल्ट जो कोरियोनिक विलाई हैं दे कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एंडोथीलीम ऑफ मेटरनल ब्लड वेसल अब यहाँ पर कोरियोनिक विलाई जो है इनका कॉन्टैक्ट और भी इंटीमेट और भी क्लोज हो गया है मेटरनल साइड से क्योंकि यहाँ पर जो कोरियोनिक विलाई हैं दे आर दे कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एंडोथीलियम ऑफ द मेटर्नल ब्लड वेसल मेटरनल ब्लड वेसल के एंडोथीलीम के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाती है अब यहाँ पर क्या हो गया दो बैरियर्स का लॉस हो गया यूटिन एपिथीलियम एंड मेटरनल कनेक्टिव टिश्यू तो यहाँ पर ओनली फोर बैरियर्स आर लेफ्ट बिटवीन द मेटरनल एंड द फीटल ब्लड मेटरनल और फीटल ब्लड के बीच में सिर्फ चार बैरियर्स रह गए हैं तो ये जो प्लासेंटा है ये एक डेसीडुअस प्लासेंटा है अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये एक डेसीडुअस प्लासेंटा है इससे पहले जो हमने सैनडेसमोकोरियल प्लासेंटा पढ़ा था और वो पढ़ा था एपिथीरियो कोरियल ये दोनों नॉन डेसीडुअस प्लासेंटा थे पर ये एक डेसीडुअस प्लासेंटा है बिकॉज एट दी टाइम ऑफ पार्टोरेशन द लॉस ऑफ ब्लड एंड बिकॉज ऑफ द इंटीमेट कॉन्टैक्ट ठीक है इट इज़ फाउंड इन कार्वोस लाइक डॉग्स कैट एंड बियर ठीक है ये जो प्लासेंटा है इसमें ब्लड का लॉस होता है डैमेज टू द यूट्रीन मदर साइड टेक्स प्लेस बिकॉज यहाँ पर कॉन्टैक्ट जो है दैट हेज़ बिकम मोर इंटीमेट ज़्यादा इंटीमेट ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट हो गया है दो लेयर्स का लॉस हो गया है मदर की साइड से यूट्रीन एपीथीलियम का एज वेल एज दी मेटर्नल कनेक्टिव टिश्यू अब आप यहाँ देख सकते हैं देखिए ये कोरियोनिक विलाई है दे आर लाइंग डायरेक्टली इन दी मेटरनल एनोथीलीम ऑफ द मेटरनल ब्लड वेसल्स के जस्ट उसी कॉन्टैक्ट में ये मेटरनल साइड आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लासेंटल विलाई है ये कोरियोनिक कॉरियोनिकपीथीलियम है और ये यूट्रीन कैपिलरी यानी मेटरनल ब्लड वेसल्स के एंडोथीलियम से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाता है ठीक है सो दिस इज कॉल्ड द एंडोथीलियो कोरियल प्लासेंटा कैसे पता है इसका नाम कैसे चलेगा क्योंकि कोरियोनिक एपीथीलियम की जो विलाई हैं वो एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड मेटरनल ब्लड के कॉन्टैक्ट में है इसलिए इन दोनों के बीच में जब कॉन्टैक्ट है तो एंडोथीलियो कोरियल मदर की तरफ से एंडोथीलियम और फीटस की तरफ से कोरियोनिक एपीथीलियम ठीक है सो ना द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लासेंटा इज द हीमोकोरियल प्लासेंटा हीमोकोरियल प्लासेंटा में क्या होता है इस प्लासेंटा में द नंबर ऑफ बैरियर्स जो है दैट फर्दर रिड्यूज और रिड्यूज हो जाता है बिटवीन द मेटरनल एंड द फीटल ब्लड रिड्यूज टू थ्री अब इसमें क्या क्या चीज़ें रिड्यूज हो गई इस प्लासेंटा में ऑल द बैरियर्स ऑफ द मेटरनल साइड जितने भी बैरियर्स थे यानी यूट्रीन अपीथीलियम तो लॉस हो ही चुकी थी फिर मेटर्नल कनेक्टिव टिश्यू का भी लॉस हो गया है अब जो एंडोथीलियल लेयर है या एंडोथीलियल वॉल है ऑफ द मेटरनल ब्लड वेसल दैट इज़ ऑल्सो लॉस्ट ठीक है यूट्रीन अपीथीलियम मेटरनल कनेक्टिव टिश्यू एंड द देंडोथीलियम ऑफ द मेटरनल ब्लड वेसल का भी लॉस हो जाता है इसमें तो देर आर ओनली थ्री बैरियर्स एंड दीज थ्री बैरियर्स आर ऑन द फीटल साइड कौन कौन से कोरियोनिक अपीथीलियम फिर फीटल कनेक्टिव टिश्यू और फीटल एंडोथीलील एंडोथीलीम ऑफ द फीटल ब्लड वेसल्स तो ये तीनों लेयर्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है ये तीनों लेयर्स डिसअपियर हो जाती हैं और इसकी वजह से जो कुरियनिक विलाई है दैट कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दी मेटरनल ब्लड मेटरनल ब्लड के कॉन्टैक्ट में आ जाती है तो मेटरनल ब्लड ब्लड को हम हीम कहते हैं तो हीम प्लस कोरियल तो हीमो कोरियल प्लासेंटा जब मेटरनल ब्लड के कॉन्टैक्ट में कोरियोनिक विलाई आ जाएंगे तो इस तरह से इसका नाम होता है हीमो कोरियल प्लासेंटा ठीक है यहाँ पे कुरियनिक विलई जो है दे रिमेन सराउंडेड बाय दी ब्लड साइनसिस जिसमें कि एंडोथीलील लाइनिंग नहीं होती क्योंकि एंडोथीलीम का लॉस हो चुका है तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो कोरियोनिक विलाई है दैट रिमेन सराउंडेड बाय बाई ब्लड साइनसिस विच डू नॉट हैव एंडोथीलियल लाइनिंग यानी ब्लड वेसल्स नहीं है ब्लड साइनसिस हैं ये जो साइनसिस हैं ये रिसीव करते हैं मेटरनल ब्लड फ्रॉम दी यूटरिन आर्टरीज ये साइनसिस में मेटरनल ब्लड होता है यूट्रीन आर्टी आर्टरीज से जो आता है और फ्रॉम दि साइनस दिस ब्लड पासिस दूट्रीन वेन्स हीमोगोरियल प्लासेंटा जो है ये भी एक डेसिडोस प्लासेंटा है ये ह्यूमन मोल्स और बैट्स में पाया जाता है ठीक है दिस इज अगेन वन डेसिडोस प्लासेंटा ओके तो ये दो डेसिडोस प्लासेंटा कौन कौन सा आपने देखे कोरियल प्लासेंटा एज वेल एज हिमोकोरियल प्लासेंटा सो दिस इज अगेन अनदर टाइप ऑफ डेसिडोस प्लासेंटा इसको समझ में आ गया आपको ये कि इसमें हीमोकोरियल यानी इसमें कितने लेयर्स का लॉस हो गया है मदर की तरफ से तीनों लेयर्स का लॉस हो गया है यूट्रिन एपिथीलियम का भी लॉस हो गया यूट्रीन कनेक्टिव टिश्यू का लॉस हो गया और ऑफ द एंडोथीलियमल ब्लड वेसल का लॉस हो गया जो कोरियोनिक विलाई हैं दे आर लाइंग इन साइनसेस ब्लड साइनसेज विच आर डू विच डू नॉट हैव द एंडोथीलियल लाइनिंग ओके सो दिस टाइप ऑफ प्लासेंटा यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट है दैट हैज़ बिकम मोर और क्लोजर हो गया है और जो बैरियर्स हैं दे आर ओनली

तो इसका नाम क्या देखा था अपन ने हीमो एंडोथीलियल यानी यहाँ पर मदर की साइड से तो ब्लड साइनसिस हीमो और एंडोथीलियल एंडोथीलियल का मतलब कि फीटस की, की साइड से जो उसकी कोरियोनिक एपिथीलियम है उसका लॉस हो गया कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू का लॉस हो गया फीटियल कनेक्टिव टिश्यू का और अब ये जो फीटस के एंडोथीलीम है जो ब्लड वेसल्स के एंडोथीलीम है उनके कॉन्टैक्ट में दोनों लेयर्स इन कॉन्टैक्ट में रहती हैं यानी ब्लड जो है मदर की साइड से दैट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद दी एंडोथीलियल लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द फीटल साइड तो यहाँ पे किस किस का लॉस हो गया यूट्रीन अपीथीलियम का लॉस हो गया मेटरनल कनेक्टिव टिश्यू का लॉस हो गया मेटरनल ब्लड वैसेल्स की एंडोथीलियल लाइनिंग का लॉस हो गया कॉरियोनिक एपिथीलियम का लॉस हो गया और जो फीटल के कनेक्टिव टिश्यू हैं उनका भी लॉस हो गया दे आर ऑल इरोडेड एंड लॉस्ड एंड एंड एज ए रिजल्ट ओनली वन बैरियर कोई एक ही बैरियर रह जाता है और वह बैरियर कौन सा है एंडोथीलियल लाइनिंग ऑफ फीटल ब्लड वेसल इट इज़ ओनली लेफ्ट बिटवीन दी मेटरनल एंड दी फ़ीटल ब्लड मतलब मदर और फीटर्स का जो ब्लड है वो इतनी क्लोज कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो दिस इज दी मोस्ट क्लोजेस्ट टाइप ऑफ प्लाजेंटा जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटीमेट कॉन्टैक्ट होता है मदर और फीटर्स के बीच में तो यहाँ पर क्या होता है फ़ीटल ब्लड कैपिलिटीज जो हैं दे आर लाइंग फ्ल फ्रीली इन दी मेटरनल ब्लड ये जो है इस तरह का प्लाजेंटा गिनी पिग्स में और रेबट्स में पाया जाता है ठीक है तो यहाँ पर कितना ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट है आप आपने देख लिया कि इसमें जो प्लासेंटा है दैट इज मेड ऑफ ओनली दी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो एंडोथथीलियम लाइनिंग है फीटल ब्लड की या जो फीटल ब्लड की जो एंडोथीलियम है या जो ब्लड वेसल्स हैं वो दे आर लाइंग फ्रीली इन दी मैटर्नल ब्लड ओके दे आर लाइंग फ्रीली इन दी मैटरनल ब्लड सो दिस इज़ द मोस्ट यह सबसे क्लोजेस्ट टाइप ऑफ प्लासेंटा है तो ये अपन ने देख ही लिया एक बार इसको आप रिवाइज कर सकते हैं कि एंडो एंड कोरियल में मेटरनल टिश्यू कॉन्ट्रीब्यूट एंडोथीलीम कनेक्टिव टिश्यू एंड अपीथीलियम वाइल फीटस कॉन्ट्रीब्यूट ट्रोफोब्लास्ट एंड एंडोथीलीम यानी इसमें ऑल द सिक्स लेयर्स आर देयर ठीक है कोरियल में कोरियल की तरह सिर्फ एक मेटरनल अपीथीलियम यानी कि यूट्रिन अपीथीलियम का लॉस हो जाता है तो ओनली फाइव बैरियर्स आते हैं एंडोथीलियो कोरियल में मेटरनल एंडोथीलीम ही रह जाती है और फीटस की तरफ से कोरियोनिक विलाई की जो क्रोनिक एपिथीलीम है कनेक्टिव टिशू है और एंडोथीलियम प्रजेंट है यानी इसमें फोर लेयर्स आर देयर ठीक है और हीमोकोरियल में यहाँ पर मदर की तरफ से सारी लेयर्स का लॉस हो जाता है तो सिर्फ तीन फीटल जो लेयर्स हैं दे आर देयर फॉर फॉर्मेशन ऑफ फ्लासेंटा तो देर इज ओनली थ्री बैरियर्स यहाँ पर मेटर्नल टिशू का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है और जो अगर हम हीमो एंडोथीलीम में देखें तो यहाँ पर तो मदर की तरफ से तो तीनों लेयर्स का लॉस हो ही चुका है और फीटस की तरफ से भी दो लेयर्स का लॉस हो जाता है जिस वजह से ओनली फीटल एंडोथीलीम जो है दैट पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा सो ओनली वन बैरियर इज़ लेफ्ट यानी सिक्स फाइव फोर थ्री और टू तो नहीं है यहाँ पे सीधे वन पे आ जाते हैं तो ये इस तरह से प्लासेंटा जो है हिस्टोलॉजिकली दे आर डिवाइडेड इनटू five types according to the number of layers which are present in the in the yeah which participates in the formation of placenta if the layers uh, participating in the formation of formation of placenta are three from the mother side and three from the uh, fetal side this is epithelial when there are only two layers from the mother side and three from the fetal side they are syndesmocorial only one layer from the mother side and three uh, layers of, of the fetus are intact. It is endotheliocoreal No layer from the mother side. Only three layers from the side of the fetus. Then hemochorial. And when there is no layer from the mother side and two layers are lost from the fetal side, then it is hemoendothelial. Okay. So this type of uh, placenta, jo hai, they can be uh, classified according to the histology of the. टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट बिटवीन दी मदर एंड दी फीटस तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे कॉन्टैक्ट क्लोज होता जाता है वैसे वैसे प्लासेंटर जो है दैट बिकम्स नॉन डेसीडुअस इट गोज टूवर्ड्स द डेसिडुअस साइड ओके